दिस इज हाफ ऑफ द लेबरान और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग वर्ल्ड बाय अब्दुल्ला। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो डिवाइस अनबॉक्स करने वाले हैं, एक ऐसी डिवाइस है जो कि आईटेल की तरफ से ए सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए जो है वो इस मॉडल को लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल फोन का नाम है आईटेल 826। सब इससे पहले कि इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग करें, उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है जो कि कम बजट में एक स्मार्ट लुक डिवाइस जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सबसे पहले नोच डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया गया है। प्राइस टैग जो है वो 10,000 से भी कम में आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड की तरफ जाते हैं तो इस प्राइस टैग में आपको डिवाइसेस तो बहुत मिल जाती हैं लेकिन डिस्प्ले ऐसे नहीं मिल रहे होते, रेजोल्यूशन काफ़ी कम होती हैं, लुक जो है वो काफ़ी डल होता है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आईटेल 826 की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या एक्साइटिंग फीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आईटेल 826 की अनबॉक्सिंग। जी तो भाई, ये रहा आईटेल 826 का बॉक्स। बॉक्स को अगर आप देखते हैं तो वही सिंपल बॉक्स है। इस साइड पर जो है वो कवर और मॉडल के बारे में बताया गया है। बैक साइड पर कुछ मेन हाईलाइट्स दी गई हैं जिसके अंदर वाटर ड्रॉप फुल स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके साथ यहाँ पर 3000 mAh की बैटरी है, फेस अनलॉक दिया गया है, 2GB RAM और 32GB का इंटरनल स्टोरेज है और भी कुछ यहाँ पर जो है वो मेन हाईलाइट्स हैं जिसको हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। और कुछ मेन हाईलाइट जो है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर आईटेल 826 लिखा गया है। इसके साथ बॉक्स को जो है वो हम सबसे पहले अनरैप कर लेते हैं। बड़ी ख़तरनाक तरीके से पैकिंग की गई है भाई। तो रैप जो है वो हम रिमूव कर चुके हैं और इसको रिमूव करने के बाद जो है एडवांस टेलीकॉम का स्टिकर यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि एडवांस टेलीकॉम जो है वो इसकी वारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी सील को जो है वो सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं और शायद डब्बा ही फाड़ दिया है मैंने। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी डिवाइस देखने को मिल रही है जो कि पर्पल कलर में मौजूद है। इसके अंदर कुछ 2-3 और ग्रीन और ब्लैक से कलर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर जो है उसके अंदर लॉन्च हुए हैं। तो रैप से निकालने के बाद जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्रंट वाली साइड पर एक स्टीकर मिल रहा है और बैक जो है काफ़ी यूनिक क्वालिटी का लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी डिसेंट लुक है। डिवाइस को जो है फिलहाल कर देते हैं साइड और आ जाते हैं अपनी मेन बॉक्स कंटेंट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है जो कि 1 एम्पेयर पर जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेगा। इसके साथ एक माइक्रो USB की केबल है और यहाँ पर 3020 mAh की, जो कि आप तो इसको 3000 mAh कह सकते हैं, 3000 mAh की यहाँ पर जो है आपको रिमूवेबल बैटरी प्रोवाइड की गई है। रिमूवेबल बैटरी पता नहीं आजकल क्यों ये आईटेल जो प्रोवाइड कर रही है, एंड्रॉयड में हमेशा से आपको जो है वो बिल्ट इन बैटरी मिली है। इसके साथ एक वारंटी कार्ड है और इसके साथ जो है वो एक आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक केस जो है वो दिया गया है जो कि काफ़ी डिसेंट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपकी डिवाइस की तरफ। स्टीकर को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वाटर ड्रॉप फुल स्क्रीन आपको दी गई है, 3000 mAh की बैटरी है। ऑन करके सेटअप कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो भाई फाइनली मोबाइल फ़ोन जो है वो रेडी हो गया और सबसे पहले अगर आप इसके डिस्प्ले को देखते हैं तो यार काफ़ी यूनिक डिस्प्ले यहाँ पर निकल कर आ रहा है। टच यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्मूथ मुझे नज़र आ रहा है। आईटेल के जो पिछले मॉडल्स रहे हैं उसके अंदर रेजोल्यूशन के कुछ मसले रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। काफ़ी यूनिक डिस्प्ले जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ब्राइटनेस फुल करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप ओवरव्यू को देखते हैं तो इस साइड पे जो है वो आपको पावर की और वॉल्यूम की देखने को मिलती है। ऊपर वाली साइड पे जो है वो आपको हैंड फ्री जैक प्रोवाइड किया गया है। नीचे वाली साइड पे जो है वो राइट कॉर्नर पे माइक है, सेंटर में माइक्रो USB पोर्ट है, रिमूवेबल बैक कवर है। बैक कवर को रिमूव करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको एक मेमोरी कार्ड जैक करने का ऑप्शन है। ड्यूल सिम नैनो शायद आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा रिमूवेबल 3000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। कैमरा साइड को अगर आप देखते हैं तो ड्यूल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, काफ़ी खूबसूरत कैमरा डिज़ाइन जो है वो आपको दिया गया है। नीचे वाली साइड पैटल की ब्रांडिंग है, इसके साथ नीचे जो है वो स्पीकर आपको दिया गया है, मैट फिनिश बॉडी लगाई गई है। फ्रंटियर साइड पर जो है वो आपको नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, काफ़ी यूनिक डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो निकल कर आ रही है। कैमरा ऑप्शंस की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 8 MP का बैक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको बैक कर दिया भाई मैंने। कैमरा ऑप्शंस के अंदर जो है वो आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन में मिल जाता है अगर आप थिक थूकर हैं। अबे साले कभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो
ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ वीडियो का ऑप्शन है, फोटो का ऑप्शन है, मोर के अंदर जो है वो पैनो, टाइम लैप्स और कुछ मोर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रंट वाली साइड पे भी जो है वो बैक वाली ही सिचुएशन है, काफ़ी यूनिक कैमरा सेटअप जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आइडल के जो पिछले मोबाइल फ़ोन्स हैं उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो यही थी कुछ आईटेल A26 की स्पेसिफिकेशन। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल सके। और आगे आने वाली किस टाइप की अनबॉक्सिंग जो है वो आपको इस चैनल पर चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोबाइल फ़ोन के वाले से ओपिनियन शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग में। अल्लाह हाफिज़।